मैं आपको ले चलता हूं अंतर जगत के दर्शन की ओर। Watch the thought process inside Pratham Darshan. आपके भीतर चलते हुए विचारों की श्रृंखला का दर्शन करो अभी। विचार के दर्शन की प्रक्रिया को ठीक से समझे। या तो आप स्थिर हो जाए अपने भीतर, दो मार्ग है विचार के दर्शन के, एक है तटस्थ हो जाना, विचार के प्रति कोई प्रतिभाव नहीं है। दूसरा मार्ग है फॉलो द थॉट, विचार का पीछा करो पूरा, जब तक ये पूरा अलोप न हो जाए। एक मार्ग है तटस्थ दर्शन, नो इन्वॉल्वमेंट, दूसरा मार्ग है फॉलो द थॉट, पीछा करो विचार का अभी। जब तक वह पूरा बिखर न जाए, अंतर जगत का प्रथम दर्शन विचार, इस जगत का प्रथम महाअसत्य विचार। असत्य का अर्थ है जो अभी है अभी गया। असत्य का अर्थ है जो कायम नहीं रहता, बदल जाता है। हमारा ही मन है फिर भी हम तय नहीं कर पाते कि एक क्षण के बाद कौन सा विचार प्रकट होगा हमारे भीतर। और ऐसे मन को हम जीवन का आधार बना देते हैं। जीवन की पूरी शक्ति हम विचार को दे देते हैं। प्रथम महासत्य विचार, अंतर जगत का प्रथम दर्शन।
watch the mood now. Watch the type of your mood now. आपकी भाव दशा का दर्शन करो, अनुभूति करो अभी यहां। दूसरा दर्शन भाव, जगत का दूसरा महाअसत्य भाव। ठीक से समझो इस बात को। असत्य का अर्थ है जो अभी है अभी नहीं। भाव को ठीक से समझो, भाव दशा को ठीक से समझो। अभी अभी प्रेम का भाव था, क्रोध में बदल गया। अभी मित्रता का भाव था, शत्रुता में बदल गया। और ऐसे बदलते हुए भाव पर हम आधारित हो जाते हैं। भाव दशा का ठीक से दर्शन करो अभी यहां। दूसरा दर्शन अंतर जगत का, वॉच द टाइप ऑफ योर मूड नाउ। Expectation for the mood. The same process as we did with the thought. आप विचार देख सकते हो, इसलिए आप विचार नहीं। अगर आप विचार होते तो आप विचार को नहीं देख पाते, आंख आंख को नहीं देख पाती। क्योंकि आंख और आंख के बीच कोई अंतर ही नहीं है। आंख हाथ को देख पाती है क्योंकि आंख और हाथ के बीच अंतर है। अगर आप विचार देख सकते हो तो आप विचार नहीं। अगर आप भाव देख सकते हो तो आप भाव नहीं। क्लेरिफाई द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर मूड। Clarify the distance between you and the thought. और जब भी मैं भाव दशा की बात करूंगा, मूड के दर्शन की बात करूंगा, तब मैं आपका ध्यान ले जाऊंगा नाभि केंद्र की ओर। आप अपनी रीढ़ सिद्धि करके
गर्दन सीधी करके आंखों को हल्की सी बंद करके नाभि केंद्र का दर्शन करें, नाभि केंद्र के प्रदेश की संवेदना का दर्शन अनुभूति। ठीक से समझे इस बात को, when you watch the mood, immediately watch नाभि केंद्र। अगर भीतर से आप ठीक से नहीं देख पाते, आप बाहर से हाथ रख ले, हथेली रख दे नाभि के पास, ये विज्ञान समझने जैसा है। आपका नाभि केंद्र जितना अशुद्ध होगा, आप नकारात्मक भाव से गिर जाओगे। आपका नाभि केंद्र जितना शुद्ध होगा, आपके भीतर प्रसन्नता अकारण छूने लगेगी। जब भी आप नकारात्मक भाव से गिर जाओ, तुरंत अपना नाभि केंद्र चेक करो, दृष्टि ले जाओ उस पर, ध्यान की ज्योति को ले जाओ नाभि केंद्र की ओर, क्योंकि वहां अशुद्धि बढ़ गई, अराजकता बढ़ गई। अगर नाभि केंद्र अशुद्ध होगा तो आपका भाव का केंद्र हृदय अशुद्ध ही होगा। आप प्रयोग करके देखना, कुछ दिन आप हैवी भारी पदार्थ खाकर देखो, मिर्च मसाले वाले पदार्थ खाके देखो कुछ दिन, और आपका मूड चेक करो, विचार चेक करो। कुछ दिन आप हल्का फुल्का भोजन लो और आपका नाभि केंद्र तराशो, नाभि केंद्र की अनुभूति करो। तो जब भी आप भाव दशा में उतरो, नाभि केंद्र को मत भूलना। आपका आंत इंटेस्टाइन जितना हेवी होगा, भारी होगा, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ जाएगा नाभि के ऊपर, और एक बात आप देखना, जब गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन फोर्स नाभि केंद्र पर बढ़ जाएगा, कामुकता बढ़ जाएगी, सेक्स के भाव बढ़ जाएगी अपने भीतर, क्योंकि नाभि केंद्र से नीचे काम केंद्र है।
और जैसे ऊर्जा नीचे की ओर बहेगी, आप नकारात्मक भावों से गिरते जाओगे, ईर्ष्या बढ़ती चली जाएगी, क्रोध बढ़ जाएगा, विचार की संख्या बढ़ जाएगी अपने भीतर। ठीक से दर्शन करना इस बात को। मैं मेरा कुछ भी थोपने के लिए यहां नहीं आया। धर्म के लिए मेरा संदेश है, अपने अनुभव के बिना मानना ही मत कि ये बात सच है। और साथ में इनकार भी मत करना कि ये बात झूठ है। धर्म के प्रति, आध्यात्म के रास्ते पर सदा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, अपने अनुभव से तराशना। सिद्धांत तो मैं खाली आपका दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए बोल रहा हूं। दूसरा जगत का महाअसत्य भाव, असत्य का अर्थ है जो अभी है अभी गया। वॉच द कंप्लीट सेंसेशंस ऑफ ओवर ऑल बॉडी। आपके शरीर की संवेदना का, संपूर्ण शरीर की संवेदना का पूर्ण दर्शन, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक। टेक द बॉडी एज अ सब्सटेंस, कंसीडर द बॉडी एज अ सब्सटेंस, जैसे कि पदार्थ है, आप उससे दूर हट जाओ। Watch it now. Clarify the distance between you and your body. अंतर स्पष्ट करो आप और आपका शरीर। अंतर जगत का तीसरा दर्शन, जगत का तीसरा महाअसत्य शरीर। असत्य का अर्थ है जो अभी है अभी गया। और शरीर स्थिर नहीं, अभी हमने जन्म लिया था इस पृथ्वी पर, अभी हम बच्चे थे, युवान हो गए, बूढ़े हो गए, देखो कितने दिन चले गए। और ये तीन दर्शन, विचार, भाव, शरीर, अलग अलग नहीं। आपको दर्शन, अंतर दर्शन की प्रक्रिया स्पष्ट करने के लिए मैं तीनों को अलग कर रहा हूं, विचार, भाव, शरीर की संवेदना। आप ध्यान की गहराई में पाओगे ये तीन बात अलग नहीं। प्रत्येक शरीर की एक संवेदना के साथ एक भाव दशा होती है, प्रत्येक भाव दशा के साथ विचार की श्रृंखला होती है।
सत्य को जानने के लिए असत्य क्या है उसे समझना पड़ेगा। असत्य का अर्थ है जो अभी है अभी गया, और आप ठीक से देखो जीवन की सारी शक्ति इसी में चली जाती है। ज्यादा खा लिया तंद्रा पैदा हो जाएगी, भीतर विचार की संख्या बढ़ जाएगी, शरीर की संवेदना अस्त व्यस्त हो जाएगी, भाव दशा आकुर व्याकुर हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी, असत्य का अर्थ है जो नाशवंत है। जीवन का ठीक से अभ्यास करें तो दो ही घटना होती है, जब हम जन्म लेते हैं सांस भीतर आती है, प्रथम घटना शरीर दबकना चालू होता है, और आखिर में उच्छ्वास बाहर ठहर जाती है, सांस बाहर ठहर जाती है, भीतर लौटती नहीं, अंतिम घटना। लेकिन उलझे हुए मन के कारण विचारों के साथ का असम्यक संबंध, जरूरत से ज्यादा संबंध, हमें ये बात देखने नहीं देता। Watch the thought now. विचार की श्रृंखला का दर्शन अभी, Watch the mood now. भाव दशा का दर्शन अभी, चुकनी नहीं है ये क्षण। वॉच द कंप्लीट सेंसेशंस ऑफ ओवरऑल बॉडी, शरीर की संवेदना का संपूर्ण दर्शन, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक। जगत के तीन महाअसत्य से आपको परिचित करवा रहा हूं, आप जानते ही हो। मैं केवल फिर से उसे स्पष्ट कर रहा हूं। दर्शन में एक प्रक्रिया और समझनी है, ये तीनों दर्शन बहिर्गामी दर्शन हुए, विचार, भाव,
शरीर की संवेदना। बहिर्गामी दर्शन का अर्थ है जो आपने बाहर दर्शन किया, भीतर से बाहर की ओर। उससे आगे का दर्शन अंतर्मुखी है। हु इज वॉचिंग इन साइड, हु इज एक्सपीरियंसिंग इन साइड, हु इज लिसनिंग कंटिन्यूसली इन साइड। कौन है हमारे भीतर जो 24 घंटे देखता है? कौन है हमारे भीतर जो 24 घंटे अनुभूति करता है? कौन है हमारे भीतर जो 24 घंटे सुनता रहता है? ये अंतर्मुखी दर्शन हुआ, अंदर की ओर का दर्शन। ये तपश्चर्या है। इस दर्शन को स्पष्ट करना प्रत्येक तपश्चर्या का लक्ष्य है। आप ठीक से समझो इस बात को। तपश्चर्या कोई भी हो, मार्ग कोई भी हो, खोज यही है। हु इज वॉचिंग इन साइट, हु इज लिस्निंग इन साइट, हु इज एक्सपीरियंसिंग इन साइट। और जो आपके भीतर आंख देखती है वही आंख मेरे भीतर देखती है। जो कान आपके भीतर सुनते हैं वही कान मेरे भीतर सुनते हैं। इसलिए एक बात आप ठीक से समझना, जब भी कोई सत्य बात कहेगा आप तुरंत भीतर से जान लोगे ये बात सच है, सत्य है। क्योंकि आत्मा तो हमें बताती ही रहती है क्या सच है क्या गलत है, लेकिन हमें वो श्रवण कला सीखनी है, समझनी है। कोई भी बुद्ध बोलता है तो आपके आत्मा की भाषा ही बोलता है। अगर आपने सत्य का अनुभव नहीं किया है तो आप उसकी भाषा कैसे समझ पाओगे? आप बुद्ध की भाषा समझ पाते हो क्योंकि आपने भीतर से सत्य को जाना है, क्षण के लिए जाना है फिर भी जाना है। असत्य के साथ का संबंध जीवन में भय पैदा करता है, चिंता पैदा करता है, क्रोध पैदा करता है, लोभ पैदा करता है, संकुचितता पैदा करता है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़े आपको लगे कि दुख बढ़ रहा है,
बोझिल होते जा रहे हो, समझो आपका असत्य के साथ का संबंध गना हो रहा है। ठीक से समझना इस बात को। तीन महाअसत्य मैंने बताए, असत्य दीवार है बंधन की, असत्य कितना ही मीठा हो और असत्य सदा लोभावना होता है। असत्य सदा लोभ पैदा करता है, ठीक से जानना, असत्य ही लोभ पैदा करता है और लोभ सर्व समस्याओं का मूल है। लोभ का अर्थ है संकुचितता और जीवन बढ़ रहा है विस्तार की ओर। सत्य विस्तार है, सत्य के साथ का संबंध अकारण प्रसन्नता लाता है, अकारण आनंद प्रकट करता है, अकारण मौज पैदा करता है। क्योंकि सत्य स्वयं में पर्याप्त है, सत्य को किसी भी आधार की जरूरत नहीं और असत्य को आधार ही आधार की जरूरत रहती है। जगत के तीन महाअसत्य विचार, भाव, शरीर की संवेदना। सत्य स्वयं में पर्याप्त, कोई आधार की जरूरत नहीं और असत्य मतलब आधार ही आधार, बिना आधार के असत्य टिक ही नहीं सकता। जगत के तीन महाअसत्य विचार, भाव, शरीर की संवेदना। सत्य उधार नहीं मिल सकता, सत्य रेडीमेड नहीं हो सकता, सत्य आपके धारणा के मुताबिक नहीं हो सकता। तपश्चर्या के मार्ग पर जो कला सीखनी है वो स्वीकार, क्योंकि स्वीकार आत्मा का लक्षण है। धारणा रहित होना है, अगर आप ठीक से ध्यान को समझोगे तो ध्यान के भी विचार हो जाएंगे, ध्यान की भी धारणा हो सकती है, गुरु की भी धारणा हो सकती है, गुरु संबंधित मन हो जा सकता है। साक्षित्व का मन बन सकता है अगर आपने केवल शब्द पकड़ लिया। सत्य का अनुभव सदा कुमारा है और प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी अनुभव है सत्य, और फिर भी सबका एक ही है। क्योंकि सत्य आधार है, केंद्र है जीवन का, अस्तित्व का, और सदा स्मरण में रखो हमारा जीवन सत्य की ओर आगे बढ़ रहा है।
असत्य कितना ही सुंदर दिखता हो फिर भी असत्य मार्ग नहीं, असत्य से हम कहीं भी पहुंच नहीं सकते। असत्य से अगर हम प्राप्त करते हैं तो केवल पीड़ा, दुख, संताप। जीवन में असत्य के साथ कितना संबंध है ये आपको तय करना है, आप इससे तय कर सकते हैं। जीवन में पीड़ा कितनी है, दुख कितना है, चिंता कितनी है, भय कितना है, लोभ कितना है, क्रोध कितना है, उत्ताप कितना है, ये सारे असत्य के साथ इस संबंध के परिणाम हैं। सत्य कितना ही कठोर दिखता हो, भयंकर दिखता हो, फिर भी सत्य शांति की ओर ही ले जाता है, प्रसन्नता की ओर ही ले जाता है, आनंद की ओर ही ले जाता है। प्रसन्नता, आनंद, शांति आत्मा के लक्षण। आत्मा का अर्थ अंतर अवकाश। अगर भविष्य को ठीक से समझे तो तीन प्रकार के भविष्य है इस पृथ्वी पर। अगर आपके जीवन जीने का केंद्र केवल शरीर है, इंद्रियगत भोग यही लक्ष्य है जीवन का, तो मृत्यु आपका भविष्य है, क्योंकि कुछ भी करें हम कितने ही उपाय करें फिर भी शरीर का भविष्य ना तो मृत्यु से आगे गया है न जाएगा। तो अगर इंद्रियगत भोग शरीर केवल आपका लक्ष्य है जीवन का, तो मृत्यु सुनिश्चित है, मृत्यु भविष्य है जीवन का। अगर जीवन का आधार मन है, अपेक्षा है, तो निराशा आपका भविष्य है। क्योंकि मन का स्वभाव मांग, डिमांड, जो है उसमें राजी न होना मन का लक्षण, जो भी है उसमें असंतुष्ट रहना मन का स्वभाव, ये स्वभाव ही है मन का। जैसे शक्कर मीठी होती है, गुड़ मीठा होता है, ऐसे मन का स्वभाव है जो भी है उसमें असंतुष्ट होना। तो जीवन जीने का आधार अपेक्षा है, तो निराशा सुनिश्चित है। जब भी आपको निराशा महसूस हो जीवन में, आप ठीक से जाओ निराशा के पीछे, छोटी सी आशा कहीं आपने बोई होगी कुछ पाने की। और अरबों जीव है इस पृथ्वी पर, और सबकी अरबों अपेक्षाएं हैं, केवल मैं नहीं इस पृथ्वी पर, केवल मुझसे यह अस्तित्व नहीं चल सकता,
कितने ही है मेरे जैसे, कितने ही जीव है, कोई मेरे कक्षा का है, कोई मेरे से ऊपर है, कोई मुझसे नीचे है, और सबकी अपनी अपेक्षाएं हैं। मुक्ति तक की अपेक्षा निराशा तक ही ले जाती है। अभ्यास करना इसको, इसलिए जो भी आत्मदर्शन तक पहुंचे, अंतिम निराशा जो पार की वो आत्मदर्शन मुक्ति की, क्योंकि वो भी अपेक्षा ही बनी रहती है। और कुछ गलत भी नहीं, लेकिन ये स्पष्टता आपको केंद्र की ओर जाने के लिए सहायभूत होगी, क्योंकि स्पष्टता आत्मा का लक्षण, क्लैरिटी इज द नेचर ऑफ सॉल। जीवन में आप जितने स्पष्ट होते जाओगे, आप मुक्त होते जाओगे। जीवन में आप जितने स्पष्ट होते जाओगे, आप भार रहित होते जाओगे। आप अनुभव करके देखना। मेरा संदेश है कि जिस बात में आप अस्पष्ट हो जीवन की, उसे भी स्पष्ट कर लोगे। इस बात में मैं अस्पष्ट हूं, तो भी वो स्पष्टता होगी। आप जैसे स्पष्ट हुए कि आप आत्मा के संपर्क में आ जाते हैं। अगर आपके जीवन का केंद्र, जीवन जीने का केंद्र आत्मा है, अगर जीवन जीने का केंद्र आत्मा है,